श्री प्रकाश शुक्ला के तीन भाई और दो भाई बड़े स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश भैया बहुत अच्छे ठेकेदार उस समय आवास विकास के थे। श्री गिरीश शुक्ला जी नगर निगम और आरएस जैसे विभागों के टॉप क्लास के ठेकेदार थे। इनका परिवार बड़ा चुकमय था। श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर कहीं ना कहीं वो माफियाओं का प्रभाव आया। और एक चीज़ और, बहन को सीटी बजाने वाली बात, किसी की माँ में इतना दम नहीं था कि कोई मतलब इनके परिवार की महिलाओं को छेड़ सके, ऐसी किसी की हैसियत नहीं थी। ये सब बातें बेबुनियाद बात है। शुरुआती दौर में इन्होंने क्या नाम है रेलवे के ठेकों पे वास्तव में उसमें दो चार लोगों की जानें भी गईं। उसके बाद तो इसकी ऐसी हनक हो गई कि फिर जहाँ इसका नाम आता था किसी की हैसियत नहीं थी। नाम आने के बाद ठेका या ठेके के बारे में सोच भी नहीं सकता था। माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी और श्री प्रकाश शुक्ला जी का कहीं दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था। दोनों लोगों के अलग रास्ते थे। वो माननीय विधायक थे और श्री प्रकाश शुक्ला जी का एक अलग दुनिया शुरू हो रही थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का बदला श्री प्रकाश ने कसम खाई थी कि साक्षी को मारना है। साक्षी महाराज उस समय कल्याण सिंह के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा करीबी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन के बारे में बातचीत करने के लिए उनके बचपन के दोस्त ललन दुबे जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर श्री प्रकाश शुक्ला डॉन कैसे बना और माफिया की दुनिया में जब वो कदम रखा तो कैसे इतनी जल्दी ही उस क्षेत्र में उसने काफ़ी अपना पहचान बनाया, नाम बनाया, मुकाम बनाया। और तरह तरह के सवाल भी उठे। और इकलौता ऐसा डॉन था जो सबसे पहले AK-47 लेके चलता था और यह भी दावा किया जाता है कि CM को मारने तक की सुपारी भी ले ली। ललन जी, आप बहुत बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप बचपन के दोस्त हैं, साथ आप लोग पढ़े लिखे खेले कूदे, तो क्या बचपन से ही ऐसा कुछ जुनून था कि वो भाई आगे चल के माफिया बनेगा या कुछ और करना चाहता था, या क्या मजबूरियाँ रहीं? क्योंकि बहुत सारी जो है हमने देखा है वेब सीरीज में, TV चैनलों में दिखाया गया, या कुछ बड़े चैनलों ने भी इस पे स्टोरी की, ये बताया गया कि बहन के साथ छेड़खानी हुई जिसके बाद बदला लेने के लिए राकेश तिवारी की हत्या करता है और उसके बाद वो फिर वो जुर्म की दुनिया में बढ़ता चला जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने एक साथ कई सारे प्रश्न किए हैं श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। श्री प्रकाश का नाम, वास्तविक नाम शिव प्रकाश शुक्ला था, जो बाद में पेपरी नाम जो है श्री प्रकाश शुक्ला हुआ। मैं क्रमशः एक एक करके आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम 84-85 में हम लोग काफ़ी छोटे हुए, बहुत छोटी उम्र थी हमारी, और संयोग से हमारे और उनके घर के बीच की दूरी बामुश्किल 1 किलोमीटर होगी, लेकिन हमारा स्कूल और उनका घर जस्ट अगल बगल है। तो हाफ पैंट पहन के जब बच्चे पहली बार प्राथमिक स्कूलों में जाते हैं तब से हम लोगों का साथ था और एक दूसरे को हम देखते थे, जानते थे। धीरे धीरे क्रमशः जब मामला आगे बढ़ा तो ये 90 का वो दौर था कि उस समय माफिया सरगनाओं को भगवान के रूप में देखा जाता था। जिसका जितना बड़ा लश्कर होता था, जिसके साथ जितनी बंदूकें होती थीं या जिसके जितने क्राइम होते थे, उस हिसाब से उसका नाम चलता था, उसका सिक्का चलता था। और कहीं ना कहीं श्री प्रकाश सरीखे बहुत सारे युवा वो उस चीज़ को, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मैं नहीं जानता, जैसे आदमी अपने बचपन से कुछ न कुछ सपने पालता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, IAS बनना है, फिल्म लाइन में जाना है, या मुझे वकील बनना है, या मुझे ये करना है। तो 90 के दशक में इन माफियाओं का बहुत बहुत ज़बरदस्त क्रेज था और यही नेता होते थे और इनके इशारे पर इनके पूरे शहर देश प्रदेश चलते थे। तो श्री प्रकाश शुक्ला के मन में यह रच बस गया था। और श्री प्रकाश शुक्ला जो है उसने बचपन से ही अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू किया। और एक चीज़ और बता दूं,
बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया और अन्य जगह मैं देखता हूँ जो कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता को कम कर देते हैं, जैसे जो भ्रामक न्यूज़ चलता है और जो वास्तविक लोग देखते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा बहुत ही रेपुटेटेड एसटीएफ के टॉप क्लास के अफसरों का ये स्टेटमेंट कि श्री प्रकाश शुक्ला के पिताजी एक टीचर थे, उसकी बहन को सीटी बजा दिया, उसने मर्डर कर दिया, ये वो, ये सब कोरी बकवास बातें हैं। देखिए श्री प्रकाश शुक्ला एक बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड परिवार का लड़का था। श्री प्रकाश शुक्ला के पिता स्वर्गीय राम समुद्र शुक्ल चाचा जी एयरफोर्स के रिटायर्ड थे और गोरखपुर में टॉप क्लास के ठेकेदारों में एक थे वो। श्री प्रकाश शुक्ला के तीन भाई और दो भाई बड़े स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश भैया बहुत अच्छे ठेकेदार उस समय आवास विकास के थे। श्री गिरीश शुक्ला जी नगर निगम और आरएस जैसे विभागों के टॉप क्लास के ठेकेदार थे। इनका परिवार बड़ा सुखमय था और बहुत अच्छा अपना काम कर रहा था और अपने काम के अलावा ये लोग फालतू किसी से कोई मतलब नहीं था, अपना धंधा पानी और अपना जीवन, और यह काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली थी, पैसे से काफ़ी सुदृढ़ थी, बहुत मजबूत फैमिली थी। इनके बाबा श्री प्रकाश शुक्ला के बाबा जी भी बाहर रहते थे थाईलैंड, उस जमाने में सोचिए इनके यहाँ हाथी हुआ करती थी। ये बहुत ही मतलब बहुत ही मजबूत परिवार इनका था, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से। समाज में भी इनके बहुत अच्छे जो है इनका मतलब बहुत अच्छी लोकप्रियता थी। इनके पिताजी स्वयं बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी, इनके घर के प्रत्येक व्यक्ति का बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी, और ये लोग अपने शरीर को मतलब शरीर बनाने में इनका पूरा फैमिली जो है काफ़ी विश्वास रखता था और खान पान से लेके हर चीज़ इनका बड़ा अच्छा हुआ करता था। मुझे याद है श्री प्रकाश शुक्ला स्वयं चूँकि ऐसे परिवार में पला बढ़ा था, श्री प्रकाश शुक्ला जैसे तमाम बातें मैं आपके देखता हूँ क्या नाम है सोशल साइट्स वगैरह पे, कुछ लोग उसको नशाखोर बता देते हैं, कुछ कुछ बताते हैं, कुछ अय्यास बताते हैं। उन बेवकूफ़ों को मैं कहना चाहूँगा कि उनको बिना सच्चाई जाने किसी के भी बारे में भ्रामक कोई बात नहीं करना चाहिए। श्री प्रकाश शुक्ला जब लड़का था तब से वह किस दुकान पे समोसा या कोई भी ऐसी तली भुनी चीज़ें नहीं खाता था। श्री प्रकाश की डाइट के बारे में आप जान लें, श्री प्रकाश शुक्ला कम से कम 8 से 10 लीटर दूध, क्योंकि संपन्न था, उसके यहाँ गाय भैंस, यहाँ शहर में बहुत अच्छी व्यवस्था थी हर चीज़ की, कहीं कोई कमी नहीं थी ईश्वर के दया से, 20 लीटर कम से कम 20 ग्लास जूस, आज सरदार जी अभी भी जिंदा हैं, आप जाके उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, वह 20 ग्लास जूस पीता था, 400 से 500 ग्राम पर डे उसका जो है ड्राई फ्रूट का ये था। जैसे मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि उसने अपने शरीर को इतना अच्छा बनाया था कि जब वह 14-15 साल का था, हम लोग सेम एज के थे, तो वो 22-23 साल का एकदम बहुत ज़बरदस्त ये सीने वाला और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब व्यक्तित्व तो दिखता था। उस समय की स्थिति मुझे याद है कि जब उस समय ये गली छाप जो गुंडे होते हैं, जब ये 14-15 साल का था और इसने रंगबाजी हल्की फुल्की शुरू कर दी थी, तो वो लोग इसको देख के अपना शरीर घुमा लेते थे कि मुझे कहीं देख ना ले, ये स्थिति थी। तो ये सब बातें हैं श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर, कहीं ना कहीं वो माफियाओं का प्रभाव आया। और एक चीज़ और, बहन को सीटी बजाने वाली बात, किसी की माँ में इतना दम नहीं था कि कोई मतलब इनके परिवार की महिलाओं को छेड़ सके, ऐसी किसी की हैसियत नहीं थी। ये सब बातें बेबुनियाद बातें एकदम मतलब सिरे से ही मैं इसको खारिज करता हूँ। हाँ, उसके ऊपर माफिया बनने का भूत सवार हुआ, चूँकि मैंने बताया कि वो दशक ऐसा था, लोगों के नाम चलते थे हमारे यहाँ, स्वयं गोरखपुर जिला ऐसी धरती रही है, माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी, स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप शाही जी, ऐसे तमाम माफिया थे जिनका सिक्का पूरे देश में चलता था, और कहीं भी आप बैठे तो इन्हीं लोगों के चर्चे चलते थे। तो बालमन जो बचपन होता है
कहीं ना कहीं उसके ऊपर इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वो जो है वो डाइवर्ट हो गया इस दिशा में। नहीं, फिर एक चीज़ ये हुआ कि जब वो माफिया की दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं सूरज भान सिंह के साथ बिहार में, ठेकेदारी भी चलती है, रेलवे के ठेकेदारी में वो एक समय अच्छा खासा नाम कमा लिया। हाल यह था, शायद आप भी जानते होंगे और आप जान भी रहे हैं, कि जब वो ठेका भरता था तो किसी की हिम्मत नहीं थी शायद, मतलब ये भी खौफ था कि जब वो टेंडर सिर्फ का शुक्ला डाल रहे हैं तो कोई दूसरा भी नहीं डालता था। देखिए, ये जो ठेके की बात कर रहे हैं, श्री प्रकाश अपने तो ठेका करते नहीं थे, बहुत सारे यहाँ ऐसे ठेकेदार हैं जैसे ठेके में, बड़े ठेकों में, चूंकि मैं स्वयं एक ठेकेदार हूँ आज मैं यह समझ पाता हूँ। तो ठेकेदार क्या है, कोई ठेकेदार आया, भैया मैं 5% दे दूँगा, 10% दे दूँगा, मेरा ये काम मैनेज हो जाता। तो क्या चाहिए आपको, एक मिनट एक टेलीफोन कॉल्स पे अगर अरबों रुपए के ठेके हैं, 5% ही पकड़ लीजिए तो बहुत लंबी रकम होती है आपके एक फ़ोन कॉल्स पे, या आपकी जैसी हनक हो कोई टेंडर नहीं डालेगा। तो शुरुआती दौर में इन्होंने क्या नाम है, रेलवे के ठेकों पे वास्तव में उसमें दो चार लोगों की जानें भी गईं, उसके बाद तो इसकी ऐसी हनक हो गई कि फिर जहां इसका नाम आता था किसी की हैसियत नहीं थी, नाम आने के बाद ठेका या ठेके के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक और भी सवाल होता है, बड़ी चर्चा होती है, आप तो जान ही रहे, मैंने काफ़ी सीरीज भी चलाई है श्रीप्रकाश शुक्ला पे। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि श्रीप्रकाश शुक्ला के जीवन में पंडित हरिशंकर तिवारी का क्या रोल था। वास्तव में कोई रोल नहीं था। माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी और श्री प्रकाश शुक्ला जी का कहीं दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था। दोनों लोगों के अलग रास्ते थे, वो माननीय विधायक थे और श्री प्रकाश शुक्ला जी का एक अलग दुनिया शुरू हो रही थी, और उनको भगवान ने सब कुछ दे दिया था, वो विधायक मंत्री सब हो गए थे, उनके लिए फिर माफिया का कोई मतलब था नहीं, रास्ते अलग हो गए थे, इनका कोई रोल नहीं था। इन दोनों लोगों का आपस में कहीं से कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। अक्सर हमने देखा भी है, कई जगहों पर सीरीज चलाई गई है, कि जो कल्याण सिंह की सुपारी की जो बात है, यानी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उसके बारे में ये कहा जाता है कि पंडित हरिशंकर तिवारी ने पूरा जाल बुना, अखबारों में अगले दिन निकला, उसके बाद एसटीएफ का गठन होता है, फिर इनकाउंटर की वो सारी कहानी रची जाती है। देखिए, माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी अपने कार्य से मतलब रखते हैं, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। कल्याण सिंह जी की सुपारी की बात बिल्कुल कोरी अफवाह, गलत थी। सच्चाई ये थी कि इसमें साक्षी जी महाराज, साक्षी ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का बदला श्री प्रकाश ने कसम खाई थी कि साक्षी को मारना है। साक्षी महाराज उस समय कल्याण सिंह के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा करीबी थे। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे सूबे के। एक सोची समझी रणनीति के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के साक्षी महाराज ने एक प्रोपेगेंडा कर दिया कि श्री प्रकाश शुक्ला को किसी दल ने जो है, किसी राष्ट्रीय दल ने 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और स्वयं वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इस तरह का आरोप लगाए तो पूरा देश और प्रदेश सकते में आ गया, जो कि एकदम, मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि कोरा बकवास था। आप बताइए, आज 21-22 साल के लगभग हो गया, 22 से 23 साल के लगभग हो गया, आज तक स्पेशल टास्क फोर्स या भारत की कोई भी एजेंसी यह नहीं बता पाई कि श्री प्रकाश शुक्ला को 6 करोड़ की सुपारी दी किसने। सबसे बड़ा दोषी तो वो था ना, कि जो एक हमारे सूबे के मुख्यमंत्री को मारने के लिए सुपारी दे रहा हो, उसके नाम का खुलासा होना चाहिए। आज तक हुआ, 23 वर्ष हो गए, नहीं हुआ। तो ये दुनिया आप समझ में आती है यार, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। नहीं, अब तो ये भाजपा के भी सांसद हैं और उसके बाद भी कई बार प्रदेश में, जैसे अब इसको अगर राजनीति में लाएं, क्योंकि देखिए माफिया और राजनीति का आपने भी जैसे कहा कि एक तरफ सीधा सीधा संबंध था, और आज भी बहुत सारे माफिया के लोग हैं जो सदन में बैठे हुए हैं। तो जब अब भाजपा की सरकार आई और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और बड़े चर्चित मुख्यमंत्री रहे बहुत सारे मुद्दों पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो 23 साल है, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई कि अब जाँच नहीं हुई, अब जाँच हो जानी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, ये सब सुनिए, बड़ी विडम्बना है हमारे देश की, और हमारे देश की जो व्यवस्था है, सड़ी हुई व्यवस्था है। आप बताइए ना,
एक मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी की बात तो पूरा दुनिया जानता है। केंद्र और प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी रही। आज तक क्या यह सच्चाई सामने आ पाई कि 6 करोड़ की सुपारी दी किसने? नहीं आई, ये आएगी भी नहीं। मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूँ, चूँकि यह सब कोई बात ही नहीं थी, यह भी सच्चाई है कि कुल मिला के ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मामला था, प्रभा द्विवेदी वगैरह ने कांटेक्ट किया था और यह स्वयं ब्रह्मदत्त द्विवेदी को बड़ा मानते थे श्री प्रकाश शुक्ला, और इन्होंने एकदम मतलब यह मन बना लिया था कि उन्हें मारना ही मारना है। और यदि श्री प्रकाश शुक्ला होते तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी क्या नाम है साक्षी जी महाराज नहीं होते। तो साक्षी जी महाराज ने एक बहुत ही सुनियोजित प्लान के तहत ये सब प्रोपगेंडा करके इस मामले का रुख अलग कर दिया, इस मामले के रुख को बदल दिया। नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला इतना जानता था, एक मुख्यमंत्री को मारना ये करना, इतना अनपढ़ या जाहिल गंवार नहीं थे श्री प्रकाश शुक्ला कि इस तरह का कोई कार्य करे। जैसे जब उन्होंने बिहार के एक मंत्री को मारा तो शायद उसके बाद लोगों को तो भरोसा हो गया होगा। बिहार के मंत्री को मारा वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ मारा, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो जानता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये सच है कि उनका जो है कल्याण सिंह से कोई लेना देना नहीं था, दुनिया जानती है, आज भी जानती है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज देश और प्रदेश सरकार से भी यह मांग करता हूं कि अगर ऐसा था तो क्या कारण है। आज लगभग 21-23 साल हो गए, 98 में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया, 21वीं सती चल रही है, 21-23 साल हो गया, 23 साल में आज मैं आपसे फिर या पुनः आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि कृपया उनके नाम स्पष्ट होने चाहिए जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को 6 करोड़ रुपए की सुपारी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मारने के लिए दी थी। हाँ, यह भी हमने भी बहुत जांच करने की कोशिश की, चलिए 6 करोड़ की अगर सुपारी, ऐसा तो नहीं होता काम करने के बाद ही दिया जाए, एडवांस पता नहीं मिला होगा या नहीं। अब चूँकि ऐसा होता है, मान लीजिए हम आप मित्र हैं, साथ हैं बचपन से, तो बहुत सारी चीज़ें हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम लोगों के संस्कार ऐसे थे, श्री प्रकाश बचपन में हम लोग साथ खेलते पलते बढ़ते थे, लेकिन जब हम लोग यह जान गए थे कि आदमी बहुत जाएगा, अब इसे रोकने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, तो फिर हम लोग भी उसी हिसाब से हम लोग का शिक्षा दीक्षा चल रहा था फिर आगे जाके। हाँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मुझे लगता है आपने सारे सवालों को आज जो भी मिथक था उसको आपने स्पष्ट कर दिया। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, मैं अपना पर्सनल व्यू इस पर रखना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मैंने जो फील किया, श्री प्रकाश शुक्ला एक सामान्य आदमी नहीं था, बहुत ही अद्भुत था, वह प्राकृतिक रूप से बहुत ही अलग लड़का था। और मैं निश्चित रूप से, मैं कई बार रिसर्च करता हूँ सोते उठते बैठते, मैंने काफ़ी एनालिसिस किया उस पर, जैसे बहुत कम उम्र में इतना ताकतवर हो जाना, आदमी तो हम भी हैं आप भी हैं, हम भी खाते पीते हैं, हम भी दूध और शरीर पे बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन उतनी ताकत अर्जित हो जाना और उतनी ऊर्जावान, उतना ऊर्जा वाला व्यक्ति इतने कम उम्र समय में। मेरी उम्र एक अच्छी खासी उम्र हुई हम लोगों की आज के डेट में, और बहुत दुनिया हमने देखा, आज तक मुझे दूर दूर तक उस तेवर का कोई लड़का कोई आदमी दिखा ही नहीं। दूसरी बात, इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं उसमें ईश्वरीय, मैं नहीं जानता अच्छा या बुरा, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत था, वो बहुत ही अद्भुत था। और श्री प्रकाश शुक्ला में वह ताकत थी, वो कुवत थी कि वो एक जगह अगर खड़ा होता था 100 आदमी एक तरफ, एक अकेले श्री प्रकाश शुक्ला एक तरफ, किसी की हैसियत नहीं थी कि उससे जाके टक्कर ले ले, उसके तेवर से ही लोगों के पैंट गीले हो जाते थे। मैं उन दिनों को अगर याद करता हूँ तो हैं तो बहुत लोग दुनिया में,
लेकिन वैसे तेवर का व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में आज तक देखा नहीं, और इसका अंदाज़ा स्वयं आप लगा सकते हैं। 24 साढ़े 24 साल की उम्र में, उम्र जिस व्यक्ति की मात्र इतनी ही रही, 24 साल के लड़के तो आज के युग में अभी ठीक से सही कहें तो बात भी करना नहीं जानते। एक प्रदेश की नहीं, देश और कई प्रदेश की पुलिस कुछ बना बिगाड़ नहीं पाई। एसटीएफ का गठन करना पड़ा श्री प्रकाश शुक्ला के लिए, तो निश्चित रूप से आप इसको मान लें कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। मेरा कुल मिला के मैंने मेरी आंखों के सामने जो उसके दृश्य आते हैं, मैंने जो देखा है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मतलब अकल्पनीय कह सकते हैं, उनके जो भी कारनामे थे बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय थे। वैसा मैंने ना देखा और ना मुझे लगता है फिर कोई हो पाएगा। शायद अगर रास्ता सही होता तो आज मुकाम कुछ और होता। मुझे इस बात का बेहद दुख होता है। आज श्री प्रकाश शुक्ला को आप कश्मीर में लगा देते, आपको मैं बता दूं, या किसी ऐसे, मैं बार बार सोचता हूं कि अगर ये दिशा श्री प्रकाश की, इस दिशा में अगर वो गया होता तो हमारे देश का उतना बड़ा जामबाज, या उसे आप लगा देते। आप बताइए ना, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अभी तक आपने किसी को देखा है कि चैलेंज करके मारना? माफिया रहते थे उनको टेलीफोन करना, मारप तो के बच, ऐसा आपने देखा है? उसने सबको बोल के मारा है, चैलेंज के साथ मारा है, चैलेंजिंग करके मारा है सबको, जितने लोगों को मारने के पहले और मारने के बाद उनको घर वालों को बोला है मार दिए उठा ले जाओ। सारी कहानी अगर आप उसकी जितने भी कारनामे देखेंगे, यह निश्चित तौर पे मुझे इस बात का वास्तव में काफ़ी तकलीफ होता है कि अगर हमारे देश के लिए उसकी ताकत का उपयोग हुआ होता तो वास्तव में बेमिसाल होता। हजारों हजारों लोगों का काम वो अकेले करता और उसकी दहशत से बहुत सारे लोग एकदम सही हो जाते। ये तकलीफ होती है मुझे और सोचता हूँ काश उस समय, तो इतना भगवान ने ये नहीं दिया था हम लोगों को, या कह लीजिए इतनी बुद्धि नहीं विकसित हुई थी और दौर ही बहुत अलग था। और ये ऐसा माफे, चूँकि क्या है ना, आप पब्लिक जिसको हीरो बना दे, आज देखिए इन माफियाओं का कोई दौर नहीं है। आज अगर कोई माफिया जान ले कि आप माफिया हो तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन वो दौर था कि माफिया कहीं से चुनाव लड़ता था, जेल से लड़ जाए, कहीं से लड़ जाए, उसकी जय जय होती थी, ठीक है। लेकिन ये समय है, समय का परिवर्तन है। आज आप माफिया हो तो पार्टी वाले भी लेने से घबराते हैं, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ मुझे व्यक्तिगत रूप से होती है। और रही श्री प्रकाश शुक्ला जी का परिवार, बेहद संपन्न परिवार था, बहुत ही संपन्न परिवार, बहुत ही रेपुटेटेड परिवार, और उसकी शिक्षा दीक्षा भी उनके परिवार के लोगों ने शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक ही स्कूल था हमारे पूरे गोरखपुर में, मुझे जहाँ तक याद है एक या दो स्कूल था, LKG से उनकी शिक्षा दीक्षा जो है हमारे यहाँ मेडिकल रोड पे, उस समय एक स्कूल था सेंट पॉल स्कूल, उनके पिताजी ने उनकी शिक्षा दीक्षा वहाँ से कराने की कोशिश की थी। तो नो डाउट बहुत ही संपन्न, बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत ही रेपुटेटेड परिवार से श्री प्रकाश शुक्ला बिलोंग करते थे। किस क्लास तक आप लोग साथ पढ़े थे? देखिए हाई स्कूल 10वीं तक बस था, चूँकि हम लोगों का एक ही मोहल्ला था, उठते बैठते आते जाते हर जगह टकराहट मुलाकात ये तो होती ही थी। अच्छा उस दशक में इतनी भीड़ नहीं थी ना, आज तो इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग हो गई है। और 90 के दशक में एक पॉपुलेशन भी इतना नहीं था, शहर के करीब करीब एक दूसरे को लोग जानते थे, गांव जैसा गांव। 90 के बाद से जब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ, गांव से लोग आए हैं तो शहर का भी काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन 90 के दशक तक इतना नहीं था, एक दूसरे को लोग जानते थे। मुझे लग रहा है आप सारे पहलुओं पर लगभग चर्चा हो चुकी है, और जो भी दर्शकों के मन में जो भी भ्रम था, जो लोग जो जानकारी जानना चाह रहे थे श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, वो सारे मिथक, वो सारे भ्रम आज दूर हो गए होंगे। ललन दुबे जी ने बारीकी से सारी बातों को बता दिया, श्री प्रकाश शुक्ला क्या थे, कैसे उन्होंने क्या काम किए, क्या सच्चाई थी, क्या असलियत थी और क्या झूठ था, इस फर्क को भी उन्होंने आज साफ कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला जीवन में कभी भी अपनी शरीर के बल पे, मैं ये चीज़ कहूँगा,
और भगवान ने उतना कसरत एक बार, मतलब अच्छे अच्छे पहलवानों को मैंने देखा था कि जो उसकी उसके मतलब कसरत को देख के घबरा जाते थे। बहुत ही ताकतवर व्यक्तित्व था वो, बहुत ताकतवर, बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व था। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोकसेवा न्यूज़।